शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भर गया। रोमांचित उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माँ जी को भी यहीं बुला लेते तो हम तीनों साथ बैठकर भोजन करते। पति ने कहा, छोड़ो उन्हें, वो खाकर सो गई होंगी, आओ हम साथ में भोजन करते हैं। प्यार से उस स्त्री ने पुनः अपने पति को कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि क्यों तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होंगी इसीलिए सो गई होंगी, नींद टूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी, तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया और डिवोर्स लेकर अपने उसने दूसरी शादी कर ली और इधर उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसा कर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री के दो बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वह स्त्री 60 वर्ष की हुई तो वह बेटों को बोली, मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूँ। बेटे तुरंत अपनी माँ से को लेकर चारों धाम की यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन परोस कर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस स्त्री की नज़र सामने एक फटेहल भूखे और गंदे से एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो इस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ बहुत ही कतार नज़र से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोले, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटे जब उस वृद्ध को नहलाकर कपड़े पहनाकर उसे उस स्त्री के सामने लाए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सुहाग रात को ही डिवोर्स ले लिया था। उसने उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। तो उस वृद्ध ने नज़र झुका के कहा, सब कुछ होते ही मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते थे, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध से कहा कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय उस स्वादिष्ट भोजन की थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी माँ का तिरस्कार किया, उसी का फल आज आप भोग रहे हो। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसी देखा देखी हमारे बच्चे भी करेंगे।